यस गुड मॉर्निंग 10th ए लिसन बेटा आपा कीता सी करदा प्यार ठीक है आपा लेखक बारे 15 क्वेश्चंस कीते ने ठीक है सो उन्हों तुसी अपनी फेयर नोटबुक ते रखना लिखना है ठीक है सो आज आपा करदे प्यार चैप्टर विचों दी ही एमसीक्यूज करांगे नियर अबाउट 18 और 19 क्वेश्चंस ने ठीक है सो उस दिन मैं थानू क्या सी पहला तुसी करदा सार सुनाओगे करदा प्यार दा सार चाहे थानू सब्जेक्टिव नहीं है एमसीक्यूज है पर अगर थानू थोरोली पता होएगा चैप्टर फिर ही तुसी एमसीक्यूज करोगे ठीक है गैस थोड़ी लगाओगे राइट सो सब तो पहला करदा प्यार चैप्टर दा सार कौन सुनाएगा विलिंगली ऑनलाइन विच आई थिंक 7 बच्चे है हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स खुशी पार्थनंद रवनीत सिमरलीन सहजप्रीत आदित्य गुरसेवक यस आदित्य अनम्यूट योर सेल्फ आदित्य शर्मा बच्चे चैप्टर आपा बहुत बार कर चुके हैं है ना एक बारी किता है तो पर उन्होंने मैं दस दी भी था किन्नी किन्नी बारी हाँ चाह किन्नी देर आपा क्वेश्चन आंसर्स यस क्वेश्चन आंसर्स कर दे रहे हैं ठीक है हाँ जी आदित्य शर्मा यस मैम करदा प्यार मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी बोलो मैम एक मिनट, मैम कॉपी में लिखा है, एक मिनट खोल रहा हूँ। उच्चे बोलियो थोड़ा पर्दा प्यार ले प्रिंसिपल पे इतना सुंदर लिखा नहीं पाता लिखक ने कार्टून ठीक है हाँ जी एनीवन हाँ जी प्रभगुन अपने
वेरी गुड, क्लियर है बेटा करदा प्यार, ठीक है। जानवी और प्रभगुन ने सुनाया सी, हूं मैं दोबारा नहीं बोलना सार, ठीक है। सो अपना एक बार रीड कर लियो चैप्टर, ओके। लेखक बारे आप 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वन वर्ड की असाइनमेंट थानू भेज दिती हुई है, नियर अबाउट 30-35 क्वेश्चन सी ओदे विच, ओ जिहड़ी असाइनमेंट थानू वन वर्ड की भी भेजी जाती है थोड़े ग्रुप विच, ओनू भी संभाल के रख्या करो, ठीक है। सो हुण आपां एमसीक्यूज करदे हां बच्चे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जेड़ा मतलब आपा पहला लिखा होएगा ना, ओ सिर्फ मैं थानू वन वर्ड च लिखवा देवांगी, पर जिथे ऑप्शंस बनदी आ, वैसे ऑप्शन सारिया मैं बनाईया हुई ने, ठीक है, वो आपा लिख लवांगे, क्लियर है। जेड़ा वन वर्ड च रिपीट हो गया दोबारा नहीं करांगे, ओके। हाँ जी हाँ जी, आपा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ने ना हूं, क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं, राइट। यस रूहानी, रूहानी मैम, सबर मैम, सबर संतोख कौन सा समासी शब्द है? समान अर्थक, ओके। बेटा लिसन, तुहाडे ना दो जड़े सी टेस्ट विच, एक सबर संतोख हो समान अर्थक है, एक सिगा सिर विच पीड़, सिर विच पीड़, ठीक है। ओ तुहाडे उथे आ जांदा है, पूरे आंसर्स आ जांदे, केड़े-केड़े बच्चे ने केड़ा, ठीक है, राइट। ओ तुहाडे बेटा मार्क्स लग जाएंगे उहदे, ठीक है। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, मनुख का आचरण किथे बनता है, ठीक है। मनुख का आचरण किथे बनता है, वैसे इन आपा कीता होया है, बट आप एक बारी प्रैक्टिस एमसीक्यू से नाल भी करनी है। सो ऑप्शंस आर घर विच, ऑप्शंस घर, स्कूल, समाज या आला दुआला। तो राइट ऑप्शन घर विच, ठीक है। मनुख का आचरण बनना स्टार्ट कितों हुंदा है, नो डाउट स्कूल विच भी तुहाडा आचरण बनता है, पर घर दे प्यार चैप्टर दे अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग कितों हुंदी है, हमेशा घर तो, ठीक है। सेकंड लिखो, लेखक, लेखक जद किसे सज्जन नू, लेखक जद किसे सज्जन नू कोजे, कोजे सड़ियल, लेखक जद किसे सज्जन नू कोजे सड़ियल सुभाव देखता है तो उस बारे की सोचता है, ठीक है, सुभाव बारे सोचता है, जो उसनू इदा देखता, सड़ियल देखता है, कोजे सुभाव देखता है, तो वो लेखक उसके बारे की सोचता है। ऑप्शंस सुन लो, राइट वाली लिख लियो, ठीक है, ऑप्शन सुन लो, क्योंकि ऑप्शंस तो बेटा थानू कितों भी आ सकदियां ने, राइट। सो ऑप्शंस हो सकते हैं उसनू घर का प्यार नहीं मिलिया, सेकंड हो सकती है उसनू घर का प्यार मिलिया, थर्ड हो सकता है घर तो दूर है या घर दे नाल कोई सांझ नहीं, घर का प्यार नहीं मिलिया, आंसर लिख लो कल्ला, क्योंकि उसनू घर का प्यार नहीं मिलिया। थॉट सेम ही है, मिलता जुलता ही, किना दी जिंदगी रस तो खाली, थॉट किना दी जिंदगी रस तो खाली, रस की हुंदा है प्यार, किना दी जिंदगी रस तो खाली ते कोरी जही लगदी है, किना दी जिंदगी लगदी है, ठीक है, सेम आंसर जिन्हां नू करदा प्यार नहीं मिलिया, रस तो खाली ते कोरी जही लगदी है, कोरी मतलब इकला पंजा लगदा उन्हां नू,
रस्तो खाली ते कोरी जही लगती है, सो आंसर इज जिन्हां नूं करदा प्यार नहीं मिलिया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट फोर्थ लिखो, सिख गुरुआ ने किस जीवन ते जोर दिता। ठीक है, किस जीवन ते जोर दिता। अगर उथे ग्रस्ती ना लिखा होवे, करोगी लिखा होवे, हां जी गुड, फिर तुसी करोगी भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला ग्रस्ती, सेकेंड निजे, थर्ड समाजक, फोर्थ अपना जीवन। अपना जीवन भी वैसे निजी जीवन ही होता है। ठीक है, बट ऑप्शंस विच तुसी लिख सकते हो, राइट। सो ग्रस्ती या रोगी जीवन। ठीक है, हो गया फोर्थ। नेक्स्ट फिफ्थ, किस दे प्यार तो समाज अते देश का प्यार पैदा हुंदा है। ठीक है, किस दे प्यार तो समाज अते देश का प्यार पैदा हुंदा है। देश का, समाज अते देश का प्यार पैदा हुंदा है। ऑप्शंस, बच्चियां दा, घर दा, माता पिता दा या पत्नी दा। सो घर दा प्यार। हो गया, लिख लिया। किस दे प्यार तो समाज ते देश दा प्यार पैदा हुंदा है। बच्चियां दे, माता पिता, घर या पत्नी। ऑप्शंस खुद भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, धर्म घरां विचों निकल के किथे आ गया बाजारां विच। धर्म घरां विचों निकल के किथे आ गया। आंसर इज बाजारां विच। ए ने 17 है, धर्म घरां विचों निकल के बाजारां विच आ गया। ऑप्शंस सुन लो, बाजारां विच, घरां विच, स्कूलां विच या हस्पतालां विच। ठीक है, सो घरां विच, ओ सॉरी बाजारां विच। नेक्स्ट सेवंथ, घर किसका केंद्र है। घर किसका केंद्र है। पुष्कर घर किसका केंद्र है। वैसे भी अगर पूछा जावे ता मान लो तुसी स्कूल विच हो। ठीक है, इत्थे होने ना हाले टर्म्स है ना, आनी ना, ते जे मान लो एमसीक्यूज आवे ही ना, फिर घर किसका केंद्र है। शक्सी, अगे शक्सी केनू कहंदे आ। देखो तुसी ऑप्शन उत्ते ही आसरा ला के बैठे हुए हो, है ना। सो घर किसका केंद्र है। शक्सी रहनी बहनी दा केंद्र। रट्टे ना लगाओ, मीनिंग नू समझो। ठीक है, शक्सी रहनी बहनी दा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहेब दी औखे समय मदद किसने की थी।
मोहम्मद साहेब दी औखे समय मदद किसने की? अरियांश, मोहम्मद साहेब दी पत्नी दा नाम? चैंक नो, हल्ली बोल के हटे सारे जने। मोहम्मद साहेब दी औखे समय मदद किसने की? कौन है आर्यांश? वन वर्ड च पूछा जाता है थोड़े को। हाँ जी, पत्नी का नाम की है? खदीजा। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना थानू। नेक्स्ट, कार लायल दा अपनी पत्नी नाल बतीरा केहो जिहा सी? कार लायल दा अपनी पत्नी नाल बतीरा केहो जिहा सी? प्यार भरिया, हमदर्दी भरिया, बदसलूकी वाला या कोई भी नहीं? बदसलूकी वाला। प्यार भरिया, हमदर्दी भरिया, बदसलूकी वाला या कोई भी नहीं? बदसलूकी। क्यों सी बदसलूकी वाला? किद्दा मतलब करदा की सी? ओहो कार्लाइल है कौन सी? लेखक सी। ठीक है, अपनिया रचनावां लिखदा सी। जदों ओहदी पत्नी ओहनू अंदर कुछ पुछण आंदी तां ओह दरवाजा ओहदे मुंह ते बंद कर दिंदा सीगा। ठीक है, ओहदा इन्ना रुखा वरतीरा सी ओहदे नाल। रुखा भी आ सकदा है, अगर बसलूकी ना आवे तां रुखा भी आ सकदा है, कोरा भी आ सकदा है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुख दे प्यार दियां सदरां किथे पलदियां हन? घर विच। अरियांश, किथे पलदियां हन? की पलदा है घर विच? की पलदा है अरियांश? मैं बोल के हटियां हले नहीं उच्ची। मनुख दे प्यार दियां सदरां किथे पलदियां हन? सदरां की हुंदा? मनुख दे प्यार दियां सदरां वर्ड मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं ना बेटा। अगर मान लो थानू बोर्ड ने ना पूछे तो मैं थानू टेस्ट विच जरूर पूछ लेने हैं वर्ड मीनिंग। ठीक है, ताही मैं थानू पूछ रही हूँ। जड़ा होन टेस्ट आना ना थानू, एदे विच पक्का मैं वर्ड मीनिंग पाने ही पाने हैं। कोई भी पा सकती है। ठीक है, हाँ जी सदरां। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, सदरां, सदरां का मतलब सदरां। यस आदित्य। मैम उम्रा। सदरां मैम, सदरां का मतलब उम्रा बीत गई है घर विच। मनुख दे प्यार दियां सदरां किथे पलदियां हन? आंसर नहीं, मैं सदरां दा मीनिंग पूछ रही हां। मैम समा? नो, सदरां। हां जी सदरां मतलब इच्छावां। बच्चे सदरां किथे पलदियां? ओदियां विशेस। सदरां नाल उपर लिख लो ब्रैकेट विच इच्छावां। नेक्स्ट, किथे पलदियां ने? घर विच। अगे, बिरध बीबी दा सुभा किहो जिहा सी? बिरध बीबी, बिरध मतलब बजुर्ग, बजुर्ग बिरध बीबी दा सुभा किहो जिहा सी? ठीक है, मिठा, हमदर्दी वाला, खरमा या प्यार भरिया? खरमा। खरमा किद्दा सी? स्पेलिंग लिख के दसो मैनू खरमा दा मतलब। हां जी हां जी, खरमा मतलब रूड, बुरा सी। क्यों बुरा सी? हां जी, क्यों बुरा सी?
हां जी ओदे पति दी जवानी विच ही मौत हो गई सी, बच्चे है नहीं सन, प्रिटेंड करदे सीगे कि मतलब उपरो उपरो इदा सी गुरु घर दी परिक्रमा करदे सीगे, पर देखण नूं लगदा सीगा कि बहुत शांत सुभा दे होणगे, पर जदों उहनां नूं अंदरों दी मतलब उहनां नाल बैठिया पता लगदा है कि उहनां दा सुभा कोई चंगा नहीं सीगा। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी ने किस नूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी ने किस नूं अपने घरदियां दा हाल चाल पुछण लई भेजिया, भाई मरदाना जी नूं। गुरु नानक देव जी ने किस नूं अपने घरदियां दा हाल चाल पुछण लई भेजिया, भाई मरदाना जी नूं। या ये पूछा जा सकता है कि जिहड़ी उहनां दी माता तृप्ता जी दे नाल गुरु नानक देव जी दी जिहड़ी मुलाकात होई सी उहदे विच किस रस नूं पेश कीता गया है। जदों गुरु नानक देव जी ते माता तृप्ता जी दी मुलाकात होई सी एक रस सी, रस हुंदे ना नौ रस हुंदे आ, ओ तुसी हले पढ़े नहीं होए, ठीक है, ओदे विच ओदी श्रृंगार रस हुंदा है, हास रस हुंदा है, ठीक है, रौदर रस हुंदा है, क्लियर है। ओदे विच एक रस सी जिहदा नाम की सी करुणामयी रस। अगर कोई बहुत ज्यादा डीप जाएगा क्वेश्चन पाएगा तो इदां दे भी आ सकदे ने रस बच्चे, मतलब ये रस का मतलब हुंदा है कि जदों आपां अपनियां मन दीआं फीलिंग्स नूं ना बयान करदे हां, उहने देखो बंदे दे मतलब आपां है तां इंसान इक्को ही पर साडे अंदर नौ रस ने, ठीक है। एक हुंदा श्रृंगार रस, मतलब सानूं देखो कि आले दुआले च जिहड़ी आपां सीन देखदे हां, हरियाली वगैरह देखदे हां ना, असीं खुश हुंदे हां, ठीक है। होर हो सकदे ने हास रस हो सकदा है, ठीक है, जिहड़ा आपां कोई हासा पैदा किया, तुसी कोई कॉमेडी वाली पिक्चर वगैरह देख ली। एक हुंदा वीर रस, वीर मतलब बहादुर, जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी दी वार विच ओ वाला प्रभ गुरु नूं समझ लग गई, ठीक है ना, ओ वाला रस, ओहदे विच उहनां ने वीर रस दे विच वार जिहड़ी सी रची सीगी। ते जदों करुणामयी रस हुंदा है, जदों कोई इमोशनल सीन क्रिएट हुंदा होवे उहनूं आपां कहिंदे करुणामयी रस, ते उस टाइम ते इमोशनल सीन ही तां क्रिएट होया सी, ठीक है ना, क्लियर है। काफी रस ने, इन्हां बारे तुहानूं इत्थे तां पुछिया नहीं जाएगा, ठीक है, बट ये बहुत इंटरस्टिंग ये भी टॉपिक है अपना ही अलग, राइट। नेक्स्ट, लोकां विच किहड़े गुण घट रहे हन, लोकां विच किहड़े गुण घट रहे हन। ऑप्शंस, मिठत ते निम्रता दे, पैसा कमाण दे, अपनत दे, या इकल्ले रहण दे। मिठत ते निम्रता दे गुण लोकां विच घटदे जा रहे हन, मिठत ते निम्रता दे, पैसा कमाण दे, अपनत दे, या इकल्ले रहण दे, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किथे रहन नाल विद्यार्थियों विच सदाचारी दे गुण घट रहे हन, बोर्डिंग स्कूलों विच किथे रहन नाल विद्यार्थियों विच सदाचारी दे गुण घट रहे हन। बोर्डिंग, बोर्डिंग विच रौ आएगा बच्चे, सदाचारी की हुंदी है, सदाचार अगर आपा एदा ओह करना होवे अगेतर पिछेतर, ते एदे विचो आपा पिछेतर चुनना होवे आपा केड़ा चुनांगे, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, एदा भी थानू मैं पूछ सकदी हाँ, ठीक है, सो अलर्ट रहा करो, अगेतर पिछेतर पूछे जा सकते ने, समासी भी पूछे जा सकते ने, मीनिंग भी पूछे जा सकते ने, ठीक है। किथे रहन नाल विद्यार्थियों विच सदाचारी दे गुण घट रहे हन, किथे रहन नाल बोर्डिंग स्कूलां विच रहन नाल, सदाचार दा मतलब चंगा आचार, चंगा आचरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डिंग स्कूल,
धार्मिक जीवन की नींह कित्थे रखी जा सकती है? घर विच। धार्मिक जीवन की नींह कित्थे रखी जा सकती है? घर विच। किद्दां रखी जा सकती है? अरदास करके। गुड। जो उत्थे लिखा सीगा ना कि आपां पूजा पाठ करदे हां ते जिहड़े बच्चे ने ओह भी नाल आके बह जाण ते उहनां विच भी उदां दीआं वैल्यूज जिहड़ीआं ने ओह आंदीआं ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th होएगा। घर दे प्यार तो किसदा प्यार पैदा हुंदा है? एक क्वेश्चन सीगा 5th, उहनूं उल्ट पुल्ट कर दित्ता। ठीक है। घर दे प्यार तो किसदा प्यार पैदा हुंदा है? देश दा प्यार ते समाज दा प्यार। देश ते समाज। लास्ट। ओके डन। लास्ट क्वेश्चन, लेखक किथे पढ़दा सी? या लेखक दा जन्म किथे होया? या लेखक दा जंदी पिंड केड़ा सी? पर पढ़दा किथे सी? हाँ जी, रावलपिंडी। जद्दी पिंड अडियाला, पढ़दा सी रावलपिंडी। ठीक है। ऑप्शंस लिख सकते हो तुसी, रावलपिंडी, अमृतसर, जलंधर, हुशियारपुर। सो रावलपिंडी। ठीक है। जद्दी पिंड अडियाला ते एह की करदा सी? अपने पिंड किदन आंदा सी? ऐतवार वाले दिन आंदा सी। ते इनू क्योंकि अपने जिन्ने भी पिंड दे मैंबर ने उन्हां नाल प्यार सी, ते कहिंदा जे तुसी उन्हां नाल प्यार करोगे फिर तुसी सारिआं नाल प्यार करोगे। ते इनू केड़ा देश सब तो प्यारा लगदा सी? हिंदुस्तान। ठीक है जी। क्वेश्चंस हो गए बेटा, हुण तुहाडा थोरली घर दा प्यार चैप्टर क्लियर है।